कुंडली भाग्य। आपको शर्म नहीं है? आपने मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इंसान पहचानना आता भी है आपको? वाव, अभी तक तो चोरनी पकड़ी गई थी, लेकिन अभी उसके पीछे की वजह भी खुद चल के आई है। अगर आपने मेरी बेटी पर एक बार और इल्जाम लगाया ना, तो मैं आपकी वो हालत करूंगी कि आप जिंदगी भर पछताएंगी। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मुझे गिरफ्तार करिए। वैसे भी बिना तहकीकात और बिना किसी सबूत के आपको गिरफ्तार करना है ना, तो आप मुझे करिए, मैंने करी है चोरी। मैंने नोटिस किया कि ऋषभ भैया किसी लड़की को देख रहे हैं, देख ही जा रहे हैं। मैंने पूछा भी किसको देख रहे हो, लेकिन उनके मुंह से निकल ही गया कि वो किसी लड़की को नोटिस कर रहे थे। ऋषभ ने तुम्हारे बोलने से अपना मन बदल लिया, और जबकि उसकी फैमिली उसे कन्विंस ही नहीं कर पाई, राइट? मैंने तो बस उनसे इतना ही कहा कि क्या तुम ऋषभ की वो फ्रेंड हो जो उसे समझा रही है शादी के लिए, या फिर मेरी राइवल, व्हाट यू से इट इन हिंदी, सौतन। एंड यू नो व्हाट, अगर तुम सौतन भी हो ना, आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे चैलेंजेस में बड़ा मजा आता है। वो देखो हमारे पास ही आ रही है वो। भाभी, ये है शर्लिन। शर्लिन, ये है मेरी भाभी और ऋषभ की मॉम। हेलो आंटी। हेलो बेटा जी। करीना दी, आपने तो बिल्कुल सच कहा था, ये लड़की तो बड़ी सोनी है, वेरी वेरी प्रिटी जी। थैंक यू। किसी की नजर ना लगे। पुत्र, इससे मिल, ये है प्रीता, बड़ी अच्छी लड़की है। इसी ने ऋषभ को समझाया था कि शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मेरा ऋषभ तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, पता है? वरना इतना वक्त बीत गया, हम सब इतनी कोशिश कर रहे थे ऋषभ को समझाने के लिए। मुझे आपसे कुछ काम है। स्वीटी, कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट? हां श्योर। और प्रीता ने ही उसे समझाया कि ये शादी कर ले, इसलिए वो मान गया। एक मिनट आइए। आई एम जस्ट कमिंग। आइए तो प्रीता। भाभी, ये क्या था? कुछ भी तो नहीं था, बड़ी सोनी कुड़ी है। भाभी, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कहने की क्या जरूरत थी शर्लिन के सामने कि प्रीता की वजह से ऋषभ मान गया है शादी के लिए। लेकिन दी, मैंने जो कुछ भी बोला 100% to 100% राइट बोला, कुछ गलत बात तो बोली नहीं ना मैंने। पर भाभी, शर्लिन के बारे में सोचिए, वो अब ये सोच रही होगी कि ऋषभ इस शादी के इंटरेस्टेड नहीं है। ओए होए, हाय रब्बा, मुझसे तो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। करेक्ट, आते ही तो आपने शर्लिन पे एक बॉम्ब फेंक दिया ना। ना जी ना, बॉम्ब नहीं फेंकूंगी मैं। दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं शर्लिन के पास अभी जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि पहले ऋषभ शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल भी नहीं। देख के नहीं चल सकते के? सर आप, तुम, यस सर, तुम ये सब सामान के साथ क्या कर रही? यार सर, आप भूल गए ना, मैंने आपको कहा था कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आई हूँ, आज का इवेंट मैं मैनेज कर रही हूँ। गेस्ट के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है ना, आज मेरे पास स्टाफ की शॉर्टेज है सर, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। आई मीन मोस्ट ऑफ द काम। सी यू, बाय सर। सृष्टि। यस सर। तुम्हारा दिमाग फालतू बातों में बहुत चलता है ना। क्या मतलब सर? I need your help. वो एक साइको लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ना ही वो मुझसे करती है। मेरी हीरो इमेज पे मरती है और पब्लिसिटी के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन करण लूथरा की लाइफ में शादी के लिए कोई जगह नहीं। इससे कोई आइडिया दो ना, इससे उससे पीछे छुड़ा पाऊं। आइडिया तो मैं दे दूंगी सर, लेकिन ये लड़की जाने के बाद कोई दूसरी लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी। ये तो करण का कमरा है, यहाँ क्यों भेज दिया? और आज करण कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है, कभी फालतू में हंसता रहेगा, कभी यही यही करके कुछ वगैरह। यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? टॉवल्स लेकर निकलती हूँ। ये तो टिश्यूज है, नैपकिन,
ये भी ले लेती हूँ। ओह हेलो, आंखें खोल सकती हो तुम? डर क्यों गई? कपड़े पहने मैंने। तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। Don't touch me. Who wants to touch you? You want to touch me. Oh really? I want to touch you. तुम मेरे वॉशरूम में खड़ी हो, मेरे घर में घुसती हो, मेरे बेडरूम में घुसती हो, and I want to touch you. ये अपनी जो बुरी नजर है ना, ये मेरे ऊपर से हटाओ मिस साइको। तुम्हारा दिमाग ना एक फटे हुए रिकॉर्डर की तरह हो गया, जिसका कांटा एक ही जगह पर अटक गया है। You want to touch me? तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तुम मेरे भी? Let me tell you for one last time, I am not interested in you. Okay? Okay, mentor. मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या सीन चल रहा है। अरे मैम, आप अभी तक यहाँ हैं? आपको तो मेहमानों के साथ होना चाहिए था ना। तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे मेरे मेहमानों की। पहले तू बता, ये जो टिश्यू शॉर्टेज प्रॉब्लम थी वो तुमने सॉर्ट आउट की कि नहीं? सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, टिश्यू का कोई इशू ही नहीं है। वैसे मैम, आप है ना बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मुझे मेरा काम अच्छी तरीके से आता है, और वैसे भी मैम ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में ना छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है। ज्यादा ही मेरे साथ ओवर स्मार्ट नहीं बन रही हो? नहीं मैम, मैं ओवर स्मार्ट नहीं बन रही हूँ, मैं सॉरी कह रही हूँ आपको अपने तरीके से। व्हाटएवर, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हाथ नहीं जोड़ सकती? कम से कम प्लीज तो बोल सकती हो ना। खोल दूंगा। नो थैंक यू। जान छूटी। करण, गॉड करण, तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मैं कब से तुम्हें हर जगह पे ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे? ओह गॉड, ये तो फंस गया बुरी तरह। ये तो सोफिया से भाग रहा था, उसे मंडप पर ले जाकर डिच करने वाला था। वेरी गुड, कम ऑन सोफिया, अच्छे से खबर लेना इस खड़ूस की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे 100% डाउट है कि तुम यहाँ किसी ना किसी लड़की के साथ लवी रवी हो रहे हो। क्या सीन है बताओ, कहाँ छुपा के रखा उसे? करण अब प्रीता से प्यार करते हैं क्या? What? आज ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा कांटा था, जो इतने दिनों से चुभ रहा था, वो निकल गया। सोने दीजिए ना, नींद आ रहा है। अरे उठो तो सही। क्या हुआ, सुबह हो गई? सुबह नहीं हुई, तुम उठो तो सही ना। क्या हुआ? वो देखो वहां से डरावनी आवाज आ रही थी, कोई शैडो भी था, कोई भूत जैसा। अगर गौ माता ने तुम्हारे हाथ का बना चारा खा लिया तो समझो तुम्हारे पति की सारी कष्ट कट गई। उस दवाई का असर कभी खत्म नहीं होने वाला है, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हाँ, हाँ, कौन है तुम लोग? हाँ, मारना चाहते हो ना मुझे? तुम सब मुझे मारना चाहते हो?
एक बार सेठ जी से बात कर लेने दे उससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम मायरी से क्या, देश के किसी भी सदस्य से बात करने का अधिकार खो चुकी हो तुम। आज ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा कांटा था, जो इतने दिनों से चुभ रहा था, वो निकल गया। सुबह में आई लव यू कहा था तुम्हें, जवाब ही नहीं दिया। अब कह सकती है तुम मुझे, या फिर यू कैन किस मी। आदि, क्या कर रहे हो? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ,